नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिविलास और स्वामी जी इस मनी मार्केट में एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक और बेहतरीन शेयर यहां पर लेकर आया हूं। इस शेयर का भाव आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, 241 रुपये है। बहुत ही शानदार शेयर, गैस सेक्टर का ये शेयर है जो कि एक अच्छी मार्केट कैपिटल रखता है। अभी इसमें हालांकि बहुत गिरावट हो रही है, आप देख सकते हैं। मैं 5 डे का चार्ट यहाँ लगा देता हूँ, 1 मंथ का चार्ट यहाँ लगा देता हूँ, 6 महीने का चार्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे। मगर दोस्तों, ये एक बार शेयर चल पड़ा तो आपकी लॉटरी लग सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये गैस सेक्टर का शेयर है, बहुत ही शानदार शेयर है। मगर इसमें लगातार जो है वो पिछले 6 महीने 1 साल से जो है वो गिरावट दर्ज दिखाई दे रही है। 210 आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इसमें आप गिरावट महसूस कर सकते हैं। मार्केट फ्लक्चुएशन के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अप और डाउन यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब अगर मार्केट अप होता है और ये अगर भागने लगता है तो दोस्तों, इसमें एक बहुत ही बड़ी उम्मीद आपको देखने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड की। जी हाँ दोस्तों, पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड बहुत ही शानदार शेयर है। चलकर स्क्रीन पर चेक कर लेते हैं इसके मार्केट कैपिटल और इसके फंडामेंटल जो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग स्क्रीनर पर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं ये नेचुरल गैस इंपोर्ट रजिस्ट्रेशन टर्मिनल इन इंडिया, आप देख सकते हैं। गैस सेक्टर की ये कंपनी है, बहुत ही शानदार कंपनी। मार्केट कैपिटल दोस्तों इसका 36,135 करोड़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है और करंट प्राइस इसका 241 रुपये है। हाई अब तक ये 281 रुपये और लो अब तक 170 रुपये ये लगा चुका है। स्टॉक भी दोस्तों इसका देख सकते हैं 14 रुपये 6 पैसे। बुक वैल्यू दोस्तों इसकी 75 रुपये 7 पैसे की है। डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा 5.19% का ये देता है और फेस वैल्यू देख सकते हैं आप दोस्तों यहाँ पर 10 रुपया दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी यहाँ पर एक बढ़िया गैस सेक्टर की कंपनी यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। अगर आगे जाके ये कंपनी प्रॉफिटेबल होती है तो एक बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आपको मुनाफा देखने को मिलेगा। स्टॉक इज़ प्रोवाइडिंग अ गुड डिविडेंड यील्ड ऑफ 5.19%। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट। डिविडेंड के मामले में कंपनी काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे जो नेगेटिव पॉइंट है दोस्तों देख लीजिए, द कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ -2.14% और पोस्ट 5 ईयर्स ने 5 साल में -2.14% की इसने खराब सेल दी हुई है। और अगर दोस्तों आगे जाके ये कंपनी अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है तो एक शानदार शेयर आपके सामने यहाँ पे निकल के आएगा। पेयर कंपैरिजन में दोस्तों आप देख सकते हैं, नंबर वन पे इंडिया की JAIL इंडिया आप देख सकते हैं, अदानी टोटल गैस, इंद्रप्रस्थ गैस, उसके बाद 4th नंबर पे इसका रैंक आ रहा है दोस्तों। तो एक बहुत ही शानदार शेयर है। अगर ये अपनी पुअर रेटिंग गिरा देती है, पुअर सेल रेटिंग गिरा देती है और एक अच्छे रेटिंग पे आती है, काफ़ी बढ़िया अगर सेल्स ग्रोथ ये देती है तो एक जल्दी आपको प्रॉफिट निकाल के देने वाली कंपनी ये बन सकती है। मार्केट कैपिटल, नेट प्रॉफिट वगैरह सारी की सारी चीज़ें दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो एक बहुत ही शानदार शेयर यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। 10 साल में कंपनी ग्रोथ सेल 13% रही है और काफ़ी समय से कंपनी जो है वो थोड़ी नुकसान में चल रही है। मगर आगे जाके अगर ये अपनी, मैं बोल रहा हूँ, अगर आगे जाके अगर ये कंपनी अपनी जो ये प्रॉब्लम है ये सॉल्व कर लेती है तो एक गैस सेक्टर की मार्केट कैपिटल के हिसाब से एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है ये। तो एक जल्दी ग्रोथ आपको इसमें देखने को मिल सकती है फ्यूचर के हिसाब से। तो आप अगर फ्यूचर के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो एक शानदार शेयर आपके सामने इस कंपनी के नाम से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग यहाँ पे 50% प्रमोटर की होल्डिंग है। अभी तक प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई नहीं है। 2018 से लेके तो 2020 तक अभी तक उनकी जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो 50% ही है। तो काफ़ी अच्छी होल्डिंग भी है, आधी होल्डिंग्स जो है वो प्रमोटर्स के पास है और पब्लिक के पास है इसकी 13.51%। तो एक काफ़ी बढ़िया कंपनी आपको पेट्रोनेट एलएनजी के नाम से यहाँ पे मिल रही है। अगर
कंपनी के ऊपर आप ध्यान दीजिए, कंपनी अगर जैसे ही प्रॉफिट में निकलती है तो दबोच लीजिए, क्योंकि ये जल्दी आपको मिलेगी नहीं। एक बार जब ये रफ्तार पकड़ेगी तो बहुत ही स्पीड में पकड़ेगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हर जगह सिर्फ अभी गैस पाइपलाइंस बिछाई जा रही है, यानी कि जितना हो सके लोगों को जल्द से जल्द गैस प्रोवाइड कराने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। तो आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए ऐसा मेरा मानना है, मगर पैसा आपका है, इन्वेस्टमेंट भी आप ही का है, तो रिस्क भी आपका है, तो थोड़ा समय लेके इसमें आप इन्वेस्ट करने का या फिर ध्यान देने का सोच लीजिएगा।